अपना नाम बताओ। सुनीता यादव। हाँ, क्यों रो रही है, क्या वजह है? मेरा घर बनाने नहीं दे रहे हैं, भैया बोल रहे हैं। नहीं नहीं, किस गांव के रहने वाली हैं पूरा बताओ? संबलपुर। संबलपुर, क्या मामला है? मामला है, मैं घर जब भी बना रही हूँ तो पुलिस आकर के रोक दे रही है, बोल रहे हैं कि बंजर है, आदित्यनाथ योगी का सरकार है, वो घर गिरवा रहे हैं यादव लोग को। मैं थाना में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो पहले एप्लीकेशन नहीं लेते हैं लोग, पहले जान जाते हैं लोग। तो क्या आपसे वहाँ के जो इंचार्ज थे, हाथाभाई भी हुई? नहीं, वो बोले कि अभी ये सही बताओ कर दूंगा, पूरा वीडियो में है सब कुछ। अच्छा। ना मार रहे थे, बोल रहे थे कि अभी का अभी ठंडा कर दूंगा, सब कुछ वीडियो है हमारे पास मोबाइल में। तो उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लगातार अपराध एवं अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, गरीब मजलूम असहाय को इंसाफ मिल रहा है, आप क्या चाहती हो बताओ? मेरा घर बनवा दिया जाए, मैं हम लोग बहुत गरीब आदमी बीमार रहते हैं, हर हमेशा बीमार रहते हैं, जबकि मैं पूरा रिक्वेस्ट करती हूं। आप यहाँ पर आप रोना नहीं है, हम लोग मीडिया वाले, इंसाफ होगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप सैदपुर आप आए हो, गरीब मजलूम असहाय नौजवानों की दिल की धड़कन और दुखिया की आवाज़ सुनने वाले सुभाष पासी वहाँ पर आप आई हो, तो विधायक जी को आपने अवगत करवाया इस बात को लेकर? हाँ साहब, हम लोग बोले कि ऐसा साहब लोगों के साथ में घटना हो रही है, आप थोड़ा हमारा हेल्प करो, मदद करो। रो मत, मर्द रोता नहीं है, अपनी लड़ाई लड़ता है। आप लोग क्या चाहते हो? साहब हमारा घर बनवा दिया जाए। अच्छा, आप लोग ने प्रधान को अवगत करवाया है? प्रधान तो 10 बजे रात को बुलाते हैं, 12 बजे रात को बुलाते हैं कि चले आओ हमारे घर को, फैसला हो जाएगा। मैं 12 बजे रात। किसी ने आपको धमकी भी दिया क्या? सरकारी मास्टर या कर्मचारी समझ नहीं रही हो, कैसे बात कर रही हो, मना कर रहा है खिड़की मत हो करो। उसका चाचा एक लंगड़ा है, उसी शंकर यादव दारू का गाजा का वो धंधा करता है, सरकारी जमीन है ना खरंजा, उसी को पुलिस वाले भी आते जाते हैं। यहाँ पर आप आई हो, सैदपुर कार्यालय में आई हो और सैदपुर कार्यालय में आई हो, विधायक जी से आपने क्या बात बताई? यही सर, मैं अपना तकलीफ बताई, मुझे बताने वाला बताया कि वो नेता है और सब लोग का। विधायक जी, आ, 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 क्या मामला है, ये दो पीड़ित लोग आए, क्या मामला है? ये मामला करीब एक हफ्ता से चल रहा है और मैं इसके पीछे लगा हूँ, और माननीय नंदा से जो मेरी बात हुई, और उस दिन जिस दिन ये वारदात हुई मैंने उनसे कहा भी था, तो तुरंत उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई की। जो अधिकारी गए थे, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करके एक महिला के साथ बदतमीजी की है, उसकी आपने इस मामले को लेकर एसओ से बात किया, क्या रिप्लाई मिला? रिप्लाई बोले कि हम विधायक जी हम इसको देखेंगे और शायद क्या बोलते अपना चिकित्सा के कोई चौकी इंचार्ज गए हुए। किस तरह का वीडियो वायरल हुआ है विधायक जी? देखिए वीडियो वायरल नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप पे आया, तो मैंने कहा कि देखिए माननीय योगी जी की सरकार है और सरकार गरीबों के लिए है जी, और उनके हर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, ठीक है, ये यादव परिवार हैं, लेकिन इनके साथ जो इन्हीं के लोग यादव लोग ही इनके साथ जाति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब सारी बस्ती उस बंजर भूमि में बनी हुई है और ये लोग का पुश्तैनी मकान है, अच्छा दीवार उठा रहे हैं, तो उसके लिए जिस तरह से वारदात हो रही है वो ठीक नहीं। तो पेपर वगैरह विधायक जी आपने देखा है सब कुछ? पेपर अभी मैंने तहसीलदार से बात किया, कल तहसीलदार ने इन लोगों को 10 बजे बुलाया है, मैं बोला आप लोग जाइए, लेखपाल से भी मैंने बात किया, एसओ साहब से भी मैंने बात किया, सारी जानकारी मैंने उनको दी है कि इनके साथ न्याय हो, जो इनकी तकलीफ है जिस स्थिति में ये लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ न्याय हो। यहाँ पे सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं 20 साल से वहाँ, तो मैं ये भी बोली कि मैं आदित्यनाथ योगी सर उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, हम लोग 20 साल से उन्हीं लोग का काम करते हैं, देखिए कार्ड हमारे पास है, आप फोन लगा करके पूछ लीजिए, तो मैं ये जो सरकार हमारे देश में जो चल रही है मैं उन्हीं लोग का सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी हमको यहाँ से भगा। चलिए हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, रोइए ना, आपकी चीज़ों को हम लोग, हाँ नहीं नहीं, चलिए हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम लोग चाहेंगे कि आपको चीज़ों आपको चीज़ की हमारे घर के पास दक्षिण साइड 8 फुट 7 फुट। चलिए ठीक है, आपने माननीय सुभाष पासी जी को अवगत करवा दिया है, जो गरीब मजलूम असहाय के देखरेख करते हैं, वो आपकी मदद करेंगे। विधायक जी और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही चाहूँगा कि इनकी पूरी मदद हो, माननीय योगी जी जिस तरह से लोगों के साथ में हैं और जिस तरह से गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, गरीबों को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, किसान सम्मान योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है, उसमें यदि हमारी बहन इस हालत में है तो मैं चाहूँगा कि इनकी पूरी